हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में रिकॉर्ड बर्फबारी से जमी जिंदगी, कड़ाके की ठंड की आगोश में तीनों राज्य। हिमाचल के डलहौजी में जबरदस्त बर्फबारी, 3 फुट से ज्यादा जमी बर्फ, कारों पर जमी बर्फ की मोटी परतें। शिमला में सोमवार रात से ही बर्फबारी, 1.5 फुट तक जमी बर्फ, प्रशासन ने पर्यटकों को ऊपरी इलाके में ना जाने की दी सलाह। करीब 70 किलोमीटर ऊपर नारकंडा में बर्फ का कर्फ्यू, टूरिज्म विभाग के होटल के बाहर पसरा सन्नाटा, हर तरफ दिखा बर्फी बर्फ। धर्मशाला में भारी बर्फबारी से अहम सड़कें बंद, कई लोग रास्तों में फंसे, मौसम विभाग ने जारी की अगले 24 घंटे तक भारी बर्फबारी की चेतावनी। मंडी में बर्फबारी से लगा आपातकाल, भारी बर्फबारी के बाद लोग घरों में फंसे, -7 से 8 डिग्री तक गिरा पारा। कश्मीर घाटी में जोरदार बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की मोटी चादर, अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा कोहरा। बर्फबारी से कश्मीर घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त, 2 दिनों से ठप, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाला हाईवे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे हैं सैकड़ों ट्रक, जवाहर सुरंग के पास हिमस्खलन से बड़ी मुसीबत। वैष्णो देवी में फिर शुरू हुई बर्फबारी, यात्रा जारी लेकिन हेलीकॉप्टर और रोपवे पर रोक। लद्दाख से लेकर करगिल तक बर्फबारी का कर्फ्यू, 0 से करीब 15 डिग्री नीचे लुढ़का तापमान, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड के मसूरी में एवलांच में बाल बाल बचे पर्यटक, अचानक आए तूफान के बीच भागकर बचाई जान। उत्तरकाशी में बर्फबारी का कहर, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को करना पड़ा बंद। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग का अनुमान, शीतलहर से लुढ़केगा पारा। पश्चिमी यूपी में भी बारिश के साथ गिरे ओले, मेरठ में ठंड की वजह से स्कूल बंद करने का फैसला। कानपुर में 7 दिनों तक चलेगी आरएसएस की बैठक, प्रचारकों के साथ यूपी के सियासी नब्ज को टटोलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का लखनऊ दौरा, अखिलेश और मायावती से मुलाकात संभव। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी ने बीएसपी कोऑर्डिनेटर्स और नेताओं के साथ किया मंथन, एसपी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज से अमेठी दौरा, 2 दिन तक कार्यकर्ताओं और लोगों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों को कुंभ के दर्शन कराने के लिए बसों का किया इंतजाम, 2 बसों से 20,000 लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य। राम मंदिर को लेकर देश का सबसे बड़ा और ताजा सर्वे, 69% लोग चाहते हैं अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर। इंडिया टुडे ग्रुप कार्वी ने करीब 13,000 लोगों से पूछे सवाल, अध्यादेश से राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं 67% लोग। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, बोले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एआईएडीएमके का होगा गठबंधन। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार में खर्च की जानकारी देगा गूगल, कंपनी ने कहा सभी विज्ञापन की जानकारी मार्च से होगी सार्वजनिक। 9 साल के बाद मोदी और नीतीश करेंगे चुनावी मंसाज, 3 मार्च को गांधी मैदान में होगी एनडीए की रैली। महागठबंधन में फंसा सीटों का पेच, कांग्रेस 12 सीटों पर अड़ी, आरजेडी ने दिए 8 सीट का ऑफर। लंदन में ईवीएम हैकिंग शो पर सियासी हड़कंप, दिल्ली लौटते ही कपिल सिब्बल ने दी सफाई, कहा आयोजकों ने आमंत्रित किया था इसलिए गया। बीजेपी ने हैकिंग शो को बताया सर्कस, कहा कांग्रेस ने प्रायोजित किया था पूरा कार्यक्रम। सहसूजा के ईवीएम हैकिंग के दावे को निर्माता कंपनी ECIL ने किया खारिज, कहा कभी डिजाइनिंग कंपनी का हिस्सा नहीं रहे शुजा। IMF चीफ क्रिस्टीन लगात बोली भारत की विकास दर उसकी मौजूदा विकास दर से ज्यादा होनी चाहिए, कृषि और रोजगार पर ध्यान देने के नसीब। फिरोजाबाद में ऐसे विधायक हरिओम यादव ने रामगोपाल के खिलाफ खुला मोर्चा, कहा स्कूटर वाले कैसे 2 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगे। आज 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे प्रोफेसर साहब, तो उसका हिसाब दे दो। एमयू में बिना इजाजत कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, कॉलेज प्रशासन पर विवाद भड़काने का आरोप।
दारुल उलूम देवबंद ने गणतंत्र दिवस पर छात्रों के निकलने पर लगाई रोक, सर्कुलर जारी कर हॉस्टल में ही रहने को कहा। दारुल उलूम देवबंद ने गणतंत्र दिवस पर छात्रों के घूमने फिरने पर लगाई रोक, कहा बाहर गए तो हो सकता है उत्पीड़न। आज तक से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप। कमलनाथ का आरोप, बीजेपी ने कांग्रेस के 5 विधायकों से संपर्क साधा, विधायकों को मिल रहा है हर तरह का प्रलोभन। शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर निशाना, बोले सवाल सीएम से पूछो तो पूर्व सीएम दिग्विजय से देते हैं जवाब। शिवराज की चेतावनी, 10 दिनों के अंदर बीजेपी नेता के हत्यारे को पकड़ो नहीं तो बड़वानी जिले को कर देंगे ठप। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी को लोकसभा उम्मीदवार बनाने की रखी मांग, शहर में लगाए पोस्टर। कमाता है वो तीनों शब्द आज आपकी परफॉर्मेंस के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। सानी सागर के साथ आज शादी के बंधन में बंधेंगे प्रतीक बब्बर, लखनऊ में बीएसपी नेता पवन सागर की बेटी से शादी। आज गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल, इंडिया गेट के आसपास ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी है। भारतीय सेना 10 अफ्रीकी देशों के साथ करेगी सैन्य अभ्यास, 18 से 27 मार्च तक पुणे में होगा अभ्यास। अमृतसर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह को दिखाया गया काला झंडा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले सहयोगी शिवसेना से रिश्ते सुधारने में लगी बीजेपी, बाल ठाकरे के स्मारक के लिए मंजूर किए 100 करोड़। यूपी में बीजेपी को घेरने की शिवसेना की रणनीति, ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर उम्मीदवार उतारेगा शिवसेना। जींस पहनकर एंकरिंग करने पर भड़की बीजेपी, नेता मौसमी चैटर्जी एंकर को दी साड़ी पहनने की नसीहत। भारतीय ड्रेस में आएंगे जब भी आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी तरीके से, इसका क्या सलवार कमीज पहन लीजिए, घाघरा चोली पहन लीजिए, साड़ी पहन लीजिए। दिल्ली के संगम विहार इलाके में पार्टी करने कर घर से निकले युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार वालों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के ट्रांसजेंडर पर सरेआम फायरिंग, पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। दिल्ली के नंद नगरी में ठंड के चलते हुई मौत पर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री केजरीवाल का फूका पुतला। दिल्ली के लाला लाजपत राय मार्ग में रास्ता धंसने से लगा भीषण जाम, 3 घंटे तक फंसे रहे सैकड़ों वाहन। दिल्ली सटे साहिबाबाद में नाबालिग को अगवा कर गैंग रेप, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी है। नोएडा में बच्चे ने खोला पिता की मौत का राज, गला दबाकर की गई थी हत्या, आरोपी ने शव को पंखे से लटकाकर खुदकुशी दिखाने की रची थी साजिश। उन्नाव में पेड़ से लटकी मिली प्रेमी युगल की लाश, अलग अलग बिरादरी की वजह से दोनों के परिजन नहीं चाहते थे शादी। शाहजहांपुर में एनएसयूआई के छात्र नेता गिरफ्तार, छात्रा से छेड़खानी और धमकी देने का आरोप। गाजियाबाद में 6 साल की मासूम बच्ची की लाश मिलने से सनसनी, दुपट्टे से गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका। कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी को बंधक बनाकर दिन दहाड़े लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की तस्वीर। रेप के मामले में दाती महाराज को मिली अग्रिम जमानत, दिल्ली के साकेत कोर्ट से मिली बड़ी राहत। झांसी में बीजेपी विधायक की मां से ठगी, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन बदमाश, गहना लेकर हुआ फरार। यूपी कन्नौज में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला आया सामने, एक शख्स को भेजा 23 करोड़ का बिजली बिल। मुंबई के वडाला में टैक्सी में लगी आग, वक्त रहते कार से निकला ड्राइवर। कोल्हापुर में स्कूल में घुसकर युवा सेना की गुंडागर्दी, बिल्डिंग फंड के नाम पर अभिभावकों से पैसे लेने पर मारपीट। पटना में नर्सिंग होम में पत्रकार की पिटाई, इलाज में लापरवाही का विरोध करने पर मारपीट। रायसेन में एक ही घर में 4 लोगों की रहस्यमय हालत में मौत से सनसनी, पुलिस तफ्तीश में जुटी। सतना में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, दिन दहाड़े फायरिंग में 1 छात्र घायल। ग्वालियर में बीजेपी नेता के चचेरे भाई का कत्ल, पैसे के लेन देन के विवाद में रिश्तेदार ने की हत्या। छिंदवाड़ा के नवोदय स्कूल में 12वीं के छात्र ने लगाई फांसी, हॉस्टल के कमरे से शव बरामद। राजकोट के कॉलेज कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लिया।
सूरत में निर्माणाधीन इमारत से लोहे का सरिया गिरने से युवक की मौत, हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद। सूरत में चोरों ने बनाया मंदिरों को निशाना, दान पात्र लेकर मौके से हुए फरार। महाराष्ट्र के वासे में मुंगसाजी मंदिर के पुजारी की अज्ञात व्यक्ति ने की हत्या, मंदिर परिसर में मिला शव। अमरावती में मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासियों का हंगामा, वन कर्मियों से संघर्ष में 50 से ज्यादा कर्मचारी पूरी तरह घायल। महाराष्ट्र के पालघर में हाइड्रोजन गैस से भरे टैंकर से पलटने से लगी आग, ड्राइवर की झुलसने से दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के पिंपरी में 7 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, आरोपी ने भी की खुदकुशी। अलवर में मॉब लिंचिंग में मारे गए उमर खान का बेटा मकसूद सहित 6 गौ तस्करी में गिरफ्तार, टैंकरनुमा वाहन जब्त। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में 9 बदमाश गिरफ्तार, सबके पास मिली पिस्टल। बीकानेर में पेट्रोल पंप में बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम, सेल्समैन की बुरी तरह पिटाई। प्रयागराज में मुस्लिम और सिख संगठनों ने चलाई गंगा को साफ रखने की मुहिम, कुंभ मेले में लोगों को कर रहे जागरूक। अहमदनगर में किसानों ने प्याज की बिक्री नहीं करने का लिया फैसला, कम दाम मिलने की वजह से विरोध। दुर्गापुर में सरकारी जमीन को बेचने के आरोप में ग्रामीणों का हंगामा, पंचायत कार्यालय का घेराव कर तोड़फोड़। तमिलनाडु के पलिकारनी में अज्ञात व्यक्ति का शव टुकड़े के ढेर से बरामद, पुलिस जांच में जुटी। हैदराबाद पुलिस ने पकड़ी 100 किलो ड्रग की खेप, कार से तस्करी की कोशिश, तो गिरफ्तार। नेपे वनडे में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला, मैकलीन पार्क मैदान पर अब से कुछ देर बाद मुकाबला। विराट कोहली बोले वर्ल्ड कप के लिए सीरीज में भी खिलाड़ियों को आजमाने का काम रखेंगे जारी। आईसीसी के सालाना अवार्ड्स में विराट कोहली का डंका, सर्वश्रेष्ठ वनडे और टेस्ट खिलाड़ी के साथ साथ बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत के बाद बीसीसीआई ने सिलेक्टर्स के लिए भी खोली तिजोरी, 5 नेशनल सिलेक्टर को मिलेंगे 20-20 लाख रुपए। स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई, राफेल ने अमेरिका के फ्रांसिस टिफो को सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 6-2 से दी मात। रूस के सर्बिया में मॉस्को जा रहे विमान को शराबी यात्री ने की अगवा करने की कोशिश, सुरक्षा बलों की सूझबूझ से साजिश नाकाम। काला सागर में पानी के 2 जहाज में लगी आग, ईंधन ट्रांसफर करने के दौरान हादसा, 10 लोगों की मौत। कनाडा यूएस में ठंड का टूटा रिकॉर्ड, नियाग्रा फॉल के चारों ओर किनारों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी। फ्रांस और बेल्जियम में जमकर बर्फबारी, सड़कों से लेकर घरों तक दीवारों पर, छतों पर दिखा बर्फ ही बर्फ। चीन में लैंटर्न फेस्टिवल की धूम, चीन के नए साल के स्वागत के लिए 130 अलग अलग रंगों की लैंटर्न ने लोगों का मोह लिया मन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।